तो अब आप देखें यहां पर अब हमने अपने इम्प्लॉयज जो हैं वो ऐड कर लिए हैं उसी तरीके से जैसे हमने सारा केस पढ़ा था। मींस कि एक इम्प्लॉय की सैलरी आप देखें 1000 पर मंथ है, एक की 3000 है, एक की 5000 पर मंथ है, एक की 12,500 पर मंथ है। अब यहां पर आके जो है आप ये देखें आपको एक चीज नजर आ रही है, रन पेरोल। अब जब यहां पर मैं रन पेरोल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं सिर्फ यहां पे, कि जैसे ही आप देखें मैंने रन पेरोल पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये कि स्क्रीन जो है वो यहां पर जो है वो ओपन होके देखें यहां पे आई है। अब यहां पर उन सब की सैलरीज लिखी हुई हैं और जो इसकी पे डेट है वो 11 अक्टूबर है 2024। अगर यहां पर मैं इधर रिव्यू पेरोल पे क्लिक करता हूं तो आप देखें जैसे ही यहां पर मैंने रिव्यू पेरोल के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास ये एक एरर आ गया है कि सेटअप अ वर्क प्लेस पेंशन स्कीम फ्रॉम पेरोल सेटिंग्स बिफोर यू रन पेरोल। यानी कि अब हमें पेंशन स्कीम जो है वो भी सेटअप करनी पड़ेगी। अब जाहिर बात है क्योंकि हमारे पास कोई ओरिजिनल डाटा है नहीं, ओरिजिनल चीजें हम एंटर करके कनेक्ट जो है वो कर नहीं सकते, तो इस वजह से इस तरीके से यहां से हम पेरोल जो है वो रन नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि अब हम पेरोल की जो है वो मंथली जो जर्नल एंट्रीज हैं वो अपनी बुक्स के अंदर जो है वो पोस्ट करेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर, और फिर पेरोल की पेमेंट जो है वो हम अपने बैंक के थ्रू जो है वो पे करवाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जर्नल एंट्रीज जो है वो पोस्ट करेंगे। यहां पर आके यहां पर हम इसको कर देते हैं क्लोज, यहां पर क्लोज करके और यहां पर अब न्यू में आके जर्नल एंट्री की स्क्रीन पे जो है वो हम चले जाते हैं। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री की स्क्रीन ओपन हो रही है। अब यहां पर आप देखें हमने एक्सेल के अंदर अपने केस 4 के लिए जो है क्या कहते हैं एक जर्नल एंट्री जो है वो क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने सारी चीजें लिखी थी जब हमने पेरोल को डिस्कस किया था। उसी तरीके से यहां पर मैंने केस 1 के लिए भी जो है वो पेरोल की एक एंट्री बना दी है, केस 2 के लिए भी एक एंट्री बना दी है, यहां पर केस 3 के लिए भी जो है एक एंट्री क्रिएट कर दी है, और केस 4 के लिए तो हमने बनाई हुई थी। अब हमने क्या काम करना है, जाहिर बात है हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री तो नहीं डलती, मंथ में एक ही जो है वो पेरोल का जेवी जो है वो डलता है। उसके लिए मैंने इन सबको मिला के जो एक क्यूमुलेटिव जेवी जो कि इन चारों इम्प्लॉयज की सैलरी का बनता है वो जो है वो ये वाला जेवी जो है वो बनता है जो कि हम अपने क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर पोस्ट करेंगे। ये कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ जो चारों के जेवी थे उन सबको प्लस करके उसका एक ही जो है वो जेवी क्रिएट कर दिया है। यानी अब हर मंथ हम जेवी जो है वो पोस्ट करेंगे पेरोल का। अब यहां पर हमारे पास जो मंथ है हम जनवरी से लेके जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक ये हम 9 मंथ्स का जो है सारे का सारा पेरोल का जो है जेवी हर मंथ जो है वो पोस्ट करेंगे। अब हमने क्विक बुक के अंदर इस जेवी को जो है वो मंथली पोस्ट करना है, उसके लिए यहां पर हम क्विक बुक के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्विक बुक की स्क्रीन जनरल एंट्री की स्क्रीन खुली हुई है। सबसे पहला जेवी जो हमने पोस्ट करना है वो 31 जनवरी में करना है। हम यहां पर आते हैं 31 जनवरी के अंदर हम अपना जेवी जो है वो पोस्ट करते हैं और अब बारी बारी जो है इन सारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो डालते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है 21,500 जो कि डेबिट हो रहा है। यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर हम आके लिखते हैं सैलरीज, ये हमारे पास सैलरीज का एक्सपेंस आ गया 21,500 जो डेबिट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मंथली सैलरी एक्सपेंस, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमारे पास ये PAYE पेएबल आ रहा है, ये हमारे पास कितना है, यहां पर हम आ जाते हैं PAYE, ये हमारे पास PAYE और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास आ गया। इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, इसकी अमाउंट हमारे पास आ रही है 53,99.42। इसको यहां पर हम कॉपी करके लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं PAYE, ठीक हो गया। अब यहां पर आके अगली चीज हमारे पास क्या आ रही है, अगली चीज हमारे पास आ रही है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय की लाइबिलिटी जो हमने पे करनी है। तो फिर से हम PAYE और NIC पेएबल को जो है वो क्रेडिट करेंगे यहां पर इस अमाउंट से, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की लाइबिलिटी जो है, किसकी लाइबिलिटी है ये हमारी, जो इंप्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हुई है, यहां पर हमने वो लिख दिया। उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे कि पेंशन पेएबल को जो है वो क्रेडिट करेंगे इंप्लॉय की, यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर हम आके पेंशन पेएबल को जो है ये हमारी एक और लाइबिलिटी है, ये हमारे पास इस अमाउंट से आ रही है, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और ये हमारे पास किसकी है, पेंशन की लाइबिलिटी जो है, ये हमारे पास पेंशन की जो लाइबिलिटी है वो है इंप्लॉय की। उसके बाद यहां पर जो है वेजिस पेएबल जो है, जो हमने वेजिस पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, वो इस अमाउंट से है।
तो हम यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर आके जो वेजेस पेएबल हैं ये रहा हमारे पास, वेजेस पेएबल को जो है हम क्रेडिट कर देते हैं इस अमाउंट से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेजेस लाइबिलिटी फॉर द मंथ, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो क्रेडिट हो रही है। अब ये कौन सी लाइबिलिटी है, ये इंप्लॉयर की लाइबिलिटी है जो वो खुद से पे करेगा। ऊपर जो थी वो इंप्लॉय की जो सैलरी में से डिडक्ट हुए थे वो पे करने थे। यहां पर हम आ जाते हैं फिर से, यहां पर पी ए वाई एंड एन आई सी पेएबल ये क्रेडिट हो जाएगा आपका। यहां पर आके इस अमाउंट को लिखा, और यहां पर अब आप लिखेंगे नेशनल इंश्योरेंस लाइबिलिटी, लेकिन ये किसकी होगी, ये आपकी लाइबिलिटी होगी आपके एम्प्लॉयर की, ठीक हो गया। अब उसी तरीके से आपके पास जो है क्या कहते हैं, पेंशन पेएबल आएगा एम्प्लॉयर का, ये लाइबिलिटी आपके पास पेंशन की क्रेडिट होगी जो कि एम्प्लॉयर ने पे करनी थी पेंशन पेएबल की, ठीक हो गया, ये क्रेडिट आ रहा है। उसके बाद जो है इसकी ये कौन सी होगी, ये पेंशन लाइबिलिटी होगी आपके एम्प्लॉयर की, पेंशन लाइबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की होगी। और फिर जो है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा इस अमाउंट से, ये लें जी। यहां पर अब आपका पीएवाई एंड एनआईसी एक्सपेंस जो है, नेशनल कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यहां पर हम लिखते हैं नेशनल कंट्रीब्यूशन, ये देखें एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस, ये जो है यहां पर ये हमारे पास जो है एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगी किस अमाउंट से, 2548.58 से, ठीक हो गया। ये है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद जो है आपकी पेंशन की जो लायबिलिटी है वो जो है आपकी पेंशन की जो कॉस्ट है वो जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी, वो किस अमाउंट से डेबिट होगी, 582.60 से, और ये आपके पास आ जाएगा पेंशन एक्सपेंस। तो ये आपका एक मंथ का जो है क्या कहते हैं जेवी है, इसको जो है यहां पर हम सेव कर देते हैं। तो ये आपके एक मंथ का जेवी जो है वो पोस्ट हो गया है, ठीक हो गया। अब आपकी क्या चीज होगी, अब आपने इसी तरीके से जो ये जेवी जनवरी के अंदर पोस्ट किया है, ऐसे ही हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारा सितंबर एंड क्लोज हुआ है, तो हमने रिमेनिंग 8 मंथ्स के भी यही जेवी जो है ये अपने सिस्टम के अंदर जो है क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर जो है वो डाल देने हैं। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके आसानी के लिए क्या काम करता हूं, मोर पे आके इसको कॉपी कर लेता हूं, यानी इस जेवी की जो है वो एक कॉपी बना लेता हूं। और यहां पर मैंने इस जेवी की जो है वो एक कॉपी बनाई, और सिंपल क्योंकि अब सेम अमाउंट से जेवी जो है वो पोस्ट हो रहा है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर आके मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ डेट जो है वो चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास फेब की डेट आ गई, यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं, ये मेरे पास फेब का जेवी जो है वो सेव हो गया। और इसी तरह सो एंड सो ऑन जो है मैं मार्च से लेके और सितंबर तक के जेवी भी जो है उनको जो है वो यहां पर सेव कर दूंगा,